हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है स्पॉप निजात है एंड यू वाचिंग स्पाई टॉक। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले सैमसंग की तरफ से आने वाले नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, जो कि एक 5G डिवाइस होगा। और दोस्तों, इस फोन में हमको सिर्फ 5G कनेक्टिविटी ही देखने के लिए नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, इस फोन में हमको एक तगड़ा प्रोसेसर और उसके साथ ही साथ एक तगड़ी बैटरी भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, जिसका नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी X5। क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है आपको इस फोन में और कब तक इतने प्राइस में ये फोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैग, जो आने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6K प्रोटेक्शन के साथ। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.8 इंच का फुल एचडी प्लस पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होगा। और इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए पंच होल सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करता हूँ इसके रैम वेरियंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 3 रैम वेरियंट, 4GB के साथ 64GB रोम, 6GB के साथ 128GB रोम और 8GB के साथ 256GB रोम भी देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करो इसके रियर साइड के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा, यानी कि 4 कैमरास का इंप्लीमेंट, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थिंग सेंसर भी देखने के लिए मिलने वाला है इस डिवाइस में। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करो इसके प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का प्रोसेसर, जो कि होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765, जो कि अगले साल का तगड़ा प्रोसेसर होने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करता हूं उसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पंच होल सेल्फी कैमरा, जिसका सेंसर होने वाला है 32 मेगापिक्सल, जो कि आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छी सेल्फी खींचने के लिए हेल्प करने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4500 mAh का बैटरी, जो कि 40W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आने वाला है, जो कि आपके फ़ोन को 0 से 100 तक 30 मिनट में फुली चार्ज कर देगा। और इसका फास्ट चार्जर इसके बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट 3.5 mAh हो जाए। और इसके साथ ही दोस्तों, NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करता हूँ उसके प्राइसिंग के बारे में, तो इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस 6128GB वाला वेरियंट आपको लगभग मिल सकता है 25 से 30 हज़ार के बीच में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 25 हज़ार के प्राइसिंग में मिल जाता है 5G का सपोर्ट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 जैसा तगड़ा प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और उसके साथ ही 4500 mAh का बैटरी भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इसके कैमरा और प्रोसेसर का परफॉर्मेंस हमको काफी अल्टीमेट मिलने वाला है। अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर और एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, तो शायद से ये फोन आपके लिए बेहतरीन चीज होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करूँ इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फोन मार्च महीने में लॉन्च होगा 2020 में। दोस्तों, यही था सैमसंग गैलेक्सी X5 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हिंदी मातृभाषा।